गाइज, आज की इस वाली वीडियो में आपको दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, दो ऐसी मिस्टेक्स और गलतियाँ आपकी बताने वाला हूँ जो आप लोग करते हो, जिससे आपका वेट गेन, आपकी बॉडी कभी नहीं बन पाती है। आप बहुत परेशान हो, आपने इतनी सारी डाइट फॉलो कर ली, आपने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, प्रोटीन के डब्बे भी आप खरीद कर ले आए, अपने वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया, जिम भी स्टार्ट कर दी, पर आपका वेट गेन नहीं हुआ ना, क्योंकि आप लोग ये दो गलतियाँ कर रहे हो। ये दो गलतियाँ बंद कर दो, ये दो मिस्टेक्स बंद कर दो, आपका वेट गेन होने लग जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी। बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में। दोस्तों बकवास नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। दोस्तों आप मास्टरबेशन कर रहे हो, मैंने अक्सर लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ जो है, और जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं वो पढ़ता हूँ, तो लड़की ये कहते हैं कि भाई हम इस जो मिस्टेक है, ये जो गलती है, किस तरीके से सुधार करें, किस तरीके से क्विट करें। गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लें, अगर आप मास्टरबेशन करोगे, मतलब आप एक्सेस में कोई भी चीज़ करते हो, मतलब ये चीज़ जो एक्सेस में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कभी नहीं बन पाएगी, ये अपने माइंड में डाल। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि मास्टरबेशन अगर आप करते हो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है आपकी बॉडी पर, पर आप लोग उस चीज़ को हद से ज़्यादा कर रहे हो, और इतना ज़्यादा कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो, और आपकी सब लोग मजाक बना रहे हैं। गाइज आप अपने दिमाग में एक पॉइंट नोट कर लो, एक बात डाल लो, किसी भी चीज़ को आप हद से ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, तो आप कमज़ोर ही हो गए। अब ये चीज़ आप इतनी कर रहे हो कि आप जितनी भी चीज़ें खा रहे हो, जितनी भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, जो है केला खा रहे हो, आप अंडे खा रहे हो, आप प्रोटीन पी रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हो, पर वो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर लग ही नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो स्पर्म बनाने में लग जाती है। और दोस्तों आप जो क्या करते हो, इजैकुलेट कर देते हो, मतलब उस चीज़ को बाहर निकाल देते हो, और बॉडी उसी चीज़ में लगी रहती है, तो आपकी बॉडी कभी भी नहीं बन पाएगी। दोस्तों लोग ये कहते हैं कि हम करते हैं तो ये इतना नुकसान नहीं करता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप हद से ज़्यादा कर रहे हो, एक चीज़ बार बार कर रहे हो, दिन में दो तीन बार, चार बार, लड़के ऐसे मैसेज भी करते हैं मेरे पास, बहुत परेशान है वो, तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आपको ये गलती बंद करना है। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ फॉलो कर सकते हो आप लोग, बहुत फ़ायदा होने वाला है। नंबर वन, आप वर्कआउट स्टार्ट करें, जिम स्टार्ट करें। वर्कआउट स्टार्ट करोगे, जिम स्टार्ट करोगे, आपका माइंड लगेगा पॉजिटिव जगह, और साथ ही साथ आपकी मसल्स बनने लग जाएंगी, आपका वेट गेन होने लग जाएगा दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, जिम करने के लिए जाते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं ब्रेकडाउन हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और जब हम घर पर जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, प्रोटीन पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो हमारी मसल्स रात को सोते टाइम रिपेयर हो जाती हैं, रिकवर हो जाती हैं, तो वर्कआउट स्टार्ट करना है। नंबर टू, आपको क्या करना है, टारगेट बनाना है, 5 दिन का टारगेट, 7 दिन का टारगेट, 3 दिन का टारगेट, जो भी आपके मतलब पॉसिबल हो पा रहा है, आपका टारगेट बनाएं कि मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, वो टारगेट आप अचीव करोगे, छोटे छोटे टारगेट बनाना है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो गलत काम है, जो मास्टरबेशन की आपको लत लगी हुई है, वो आप काफ़ी हद तक क्विट कर दोगे। नंबर थ्री, आप क्या करते हो, आप अकेले में बहुत ज़्यादा रहते हो। दोस्तों ये आपको नहीं करना है, आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स में टाइम स्पेंड करना है, वहाँ पर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, और ना ऐसी आपके माइंड में गंदी बातें आएंगी, तो आप ये चीज़ नहीं करोगे। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। दोस्तों आप क्या करते हो, कोई भी डाइट आपको किसी ने बताई, किसी यूट्यूबर ने डाइट बताई, या मान लीजिए कि मैंने आपको एक डाइट प्लान प्रोवाइड कर दिया कि दोस्तों ये डाइट प्लान आपको फॉलो करना है, फिर क्या करते हो आप लोग, 2 दिन फॉलो करोगे, 5 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, बस, उससे ज़्यादा आपसे नहीं होता है। इसी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, चाहे आप एक लड़के हो, लड़की हो, कोई भी इंसान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कितनी भी आपकी एज है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लंबे टाइम तक फॉलो करना है, करीब 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने आपको कोई भी डाइट, कोई भी वर्कआउट प्लान फॉलो करना है, किसी का भी हो, चाहे आपको कोई ट्रेनर बता रहा है, चाहे आपका कोई जो है आपका दोस्त है वो बता रहा है, या मैं आपको बता रहा हूँ, या कोई भी यूट्यूबर आपको बता रहा है, आपको 2.5 महीने, 3 महीने आपको देना है वर्कआउट एंड डाइट, आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आए फिर कहना। आपको क्या करना है, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको अपना वेट लेना है, कितना आपका करंटली वेट है, और 2.5 से 3 महीने बाद अपना वेट चेक करना कि आपको डिफरेंस पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। बस लोग ऐसे कहते हैं मेरा वेट बढ़ा नहीं है, क्योंकि इतना फील नहीं होता लोगों को। आपको पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है कि कब आपने स्टार्ट करी है अपनी जर्नी, और कब आपको 2.5-3 महीने बाद अपना वेट लेना है, बहुत डिफरेंस मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। पहला जो क्या करना है, आपको मास्टरबेशन नहीं करना है, आपको क्विट करना है ये चीज़ें। नंबर टू, आपको लगातार वर्कआउट एंड जो है डाइट प्लान फॉलो करना है 2.5 से 3 महीने तक, फिर देखना कैसे आपके रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर मुझसे कहना भाई रिजल्ट नहीं मिले, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको पूरी डाइट प्लान वीडियो चाहिए, तो ये डाइट प्लान वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, चीप और सस्ती डाइट बताई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, प्रॉपर देख सकते हैं। दोस्तों ये अच्छी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, और दो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, बहुत फायदा हो तुमको भी और तुम्हारे दोस्तों को भी। और इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करें, फॉलो करें अपने भाई को यार, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, और चैनल को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट यार, दो हमें रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।